टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर 20,000। हाँ जी दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको ऐसे टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन्स के बारे में बताऊंगा जो आपको 20,000 की प्राइस में बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस निकाल के देंगे। तो अगर आप इस प्राइस रेंज में एक फोन लेने का सोच रहे थे तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं। इस लिस्ट में मैंने जो भी फोन सिलेक्ट किया है, इन सारे फोन में आपको अच्छे खासे स्पेसिफिकेशन, बैटरी बैकअप, कैमरा क्वालिटी, सारी चीजें आपको टॉप नॉच लेवल की मिल जाएगी। तो आपको इन फोन के साथ बिल्कुल भी रिग्रेट फील नहीं होगा। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस प्राइस में एक फोन लेना चाहते हैं तो आप इन पांचों फोन में से किसी भी फोन को उठा लो, क्योंकि ये फोन काफी अच्छे हैं अभी फिलहाल मार्केट में। और दोस्तों, अगर पहली बार चैनल में है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधे आते हैं टॉपिक पे। इस लिस्ट में दोस्तों फिफ्थ नंबर में जो फोन है वो आता है रेडमी की तरफ से, रेडमी K50i। अगर आप एक गेमिंग फोन खरीदना चाहते हैं 20,000 की प्राइस में तो आपके लिए फोन बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें 6.6 इंच का फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले आपको मिल जाता है 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ, 650 निट्स की ब्राइटनेस है दोस्तों। गोरिल्ला ग्लास 5 का भी सपोर्ट आपको इसकी स्क्रीन में मिल जाएगा, तो अगर आपका फोन गिरता है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मीडियाटेक की तरफ से पावरफुल चिपसेट डायमेंसिटी 8100 का चिपसेट लगा हुआ है। गेमिंग में डे टू डे यूज, मल्टीटास्किंग, ये सारी चीजों में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका जो अंतुत स्कोर है दोस्तों वो 8 लाख के करीब आता है, तो ये काफी अच्छा अंतुत स्कोर आपको मिल रहा है। 5080mAh की बैटरी इसमें लगी हुई है जो 67W के फास्ट चार्जर को सपोर्ट करता है। UFS 3.1 स्टोरेज टाइप आपको इसमें मिल जाता है, LPDDR5 रैम टाइप आपको इसमें मिल जाता है। कैमरे की बात करें दोस्तों तो 64MP का प्राइमरी कैमरा है, 8MP का अल्ट्रा वाइड, 2MP का माइक्रो कैमरा है और 16MP का फ्रंट कैमरा है। तो कैमरे में आप इससे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना, नॉर्मल फोटोज निकाल के आपको दे देता है। कनेक्टिविटी की बात करें दोस्तों तो 12 5G बैंड्स की इसमें सपोर्ट मिल जाता है, तो ऑल इंडिया में आपको 5G यूज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। डुअल 4G वोल्ट का सपोर्ट मिल जाता है, वाईफाई 6 और ब्लूटूथ 5.3 का भी सपोर्ट मिल जाता है। और इसकी UI की बारे में बात करें दोस्तों तो MIUI के साथ ये फोन हमको देखने को मिलता है। थोड़े बहुत ब्लॉटवेयर्स तो आपको इसमें देखने को मिलेंगे ही। और इसकी प्राइस की बात करूं दोस्तों तो अभी इसका जो बेस वेरिएंट का प्राइस है 20,999 रुपए में मिल जाएगा, और अगर ऑफर में आप इसको फोन को खरीदते हैं तो 20,000 के अंदर ही आपको ये मिल जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं लिस्ट में आने वाले फोर्थ नंबर फोन की। तो ये फोन आता है दोस्तों OnePlus की तरफ से, OnePlus Nord CE3 Lite। इसमें दोस्तों 6.7 इंच का IPS LCD डिस्प्ले आपको मिल जाएगा 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ, 680 निट्स की ब्राइटनेस है। परफॉर्मेंस में बात करें दोस्तों तो Snapdragon की तरफ से आने वाला 695 का चिपसेट इसमें लगा हुआ है, जिसका अंतुतु स्कोर 4,20,000 के समथिंग आता है, तो आपको डे टू डे यूज और मल्टीटास्किंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। बैटरी बैकअप की बात करें दोस्तों तो 5000mAh की बैटरी लगी हुई है, 67W के फास्ट चार्जर को सपोर्ट करता है। बात करें दोस्तों कैमरा क्वालिटी के बारे में, 108MP का प्राइमरी कैमरा, 2MP का माइक्रो कैमरा और 2MP का डेप्थ कैमरा है और 16MP का सेल्फी कैमरा है। तो कैमरे के मामले में दोस्तों ये फोन काफी अच्छी फोटोस निकाल के दे देता है। कनेक्टिविटी में बात करें दोस्तों तो 9 5G बैंड को ये सपोर्ट करता है, मतलब ऑल इंडिया में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी 5G यूज करने में। वाईफाई 5 का सपोर्ट है, ब्लूटूथ 5.1 और डुअल 4G वोल्ट का भी सपोर्ट आपको इसमें मिल जाता है। और प्राइस की बात करूं दोस्तों तो 8GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज की प्राइस 19,999 रुपए है। दोस्तों अब बात करते हैं इस लिस्ट में आने वाले थर्ड नंबर फोन की। दोस्तों ये फोन आता है IQ की तरफ से, IQ Z7 5G। 6.3 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले आपको इसमें मिल जाता है 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ, 1300 निट्स की ब्राइटनेस है। परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों तो Snapdragon की तरफ से आने वाला 695 का चिपसेट इसमें लगा हुआ है, जिसका अंतुतु स्कोर 4,70,000 के समथिंग आता है, तो आपको डे टू डे यूज और मल्टीटास्किंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। बैटरी बैकअप की बात करें दोस्तों 5000mAh की बैटरी लगी हुई है जो 44W के फास्ट चार्जर को सपोर्ट करता है। कैमरे क्वालिटी में बात करूं दोस्तों तो 64MP का प्राइमरी कैमरा है विद OIS, 2MP का डेप्थ कैमरा है और 16MP का फ्रंट कैमरा है। कैमरा क्वालिटी में मैं कहूंगा ठीक ठाक फोटो से निकाल के आपको दे देता है। कनेक्टिविटी की बात करें दोस्तों तो 6 5G बैंड को ये सपोर्ट करता है, 4G वोल्ट और ब्लूटूथ 5.2 को भी ये सपोर्ट करता है। फन टच OS के साथ ये आता है, आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पे ये वर्क करता है। और इसके बेस वेरिएंट की प्राइस दोस्तों 19,999 रुपए है। अब बात करते हैं दोस्तों इस लिस्ट में आने वाले सेकंड नंबर फोन की। तो ये फोन आता है दोस्तों लावा की तरफ से, लावा Agni 2। इसमें आपको 6.78 इंच का डिस्प्ले मिल जाता है 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ, 950 निट्स की ब्राइटनेस है दोस्तों, तो आपको आउटडोर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। परफॉर्मेंस की बात करें, मीडियाटेक की तरफ से Dimensity 7050 का चिपसेट लगा हुआ है और इसका अंतुतु स्कोर 5,10,000 के समथिंग आता है। बैटरी बैकअप की बात करें दोस्तों तो 4700mAh की बैटरी लगी हुई है जो 66W के फास्ट चार्जर को सपोर्ट करता है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पे वर्क करता है। कैमरा क्वालिटी की बात करें दोस्तों तो 50MP का प्राइमरी कैमरा लगा हुआ है, 8MP का अल्ट्रा वाइड, 2MP का माइक्रो कैमरा और 2MP का डेप्थ कैमरा लगा हुआ है। तो ये कैमरे में काफी अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के दे देता है, मतलब अच्छी खासी फोटोज निकाल के आपको ये दे देगा। 16MP का इसमें फ्रंट कैमरा है, तो सेल्फी भी इसकी काफी अच्छी है। कनेक्टिविटी की बात करें दोस्तों तो 13 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है, ब्लूटूथ 5.2, वाईफाई 6 और डुअल 4G वोल्ट को भी सपोर्ट करता है। और प्राइस की बात करो दोस्तों तो इसका बेस वेरिएंट 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज की प्राइस 17,999 रुपए है। अब बात करते हैं दोस्तों इस लिस्ट में आने वाले फर्स्ट नंबर फोन की, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट लॉन्च फोन है। दोस्तों ये फोन है इन्फिनिक्स की तरफ से आने वाला इन्फिनिक्स GT10 Pro। दोस्तों लिटरली ये फोन काफी फाड़ू है, 20,000 की प्राइस में बहुत ही तगड़ा फोन है दोस्तों। इसकी जो स्पेसिफिकेशन है बहुत ही तगड़ी है, मतलब इस फोन में जो स्पेसिफिकेशन दिया गया है वो
25 से 30,000 की फोन्स में देखने को मिलता है। बट यहाँ पर इन्फिनिक्स गेम चेंजर बन रहा है, बहुत तगड़ी स्मार्टफोन से लॉन्च कर रहा है। तो दोस्तों इस फोन को आप एक बार चेकआउट जरूर करना, क्योंकि ये बहुत ही फाड़ू फोन है इस प्राइस में। और इस फोन की इतनी तारीफ करने के बहुत सारे रीजंस हैं जो आपको मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं दोस्तों इसके लुक के बारे में। काफी यूनिक लुक के साथ ही आता है, बिल्कुल एक गेमिंग लुक देता है, थोड़ा सा नथिंग फोन से इंस्पायर्ड है। तो इसमें जो ग्लिफ लाइट है वो नथिंग फोन से इंस्पायर्ड है। बाकी इसका लुक दोस्तों काफी प्यारा है, बहुत प्रीमियम, बहुत ही यूनिक डिजाइन के साथ आता है। मतलब एक गेमिंग लुक देता है, आपको तगड़ी गेमिंग लुक प्रोवाइड करता है। पहले बात कर लेते हैं दोस्तों डिस्प्ले के बारे में। 6.67 इंच का एमोलेड डिस्प्ले इसमें मिल जाता है 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ। 900 निट्स की ब्राइटनेस है, तो आपको आउटडोर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। और इसका डिस्प्ले दोस्तों काफी प्यारा, रियली गुड, बहुत अच्छी डिस्प्ले एक्सपीरियंस आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों इसके परफॉर्मेंस के बारे में। डायमेंसिटी 8050 का आपको इसमें चिपसेट मिल जाता है। इसका अंतुति स्कोर दोस्तों 6,50,000 के समथिंग आता है, मतलब 6.5 लाख के समथिंग आता है। काफी डिसेंट अंतुति स्कोर आपको देखने को मिल रहा है। और हाई सेटिंग में दोस्तों आप 60fps में आप इसमें गेमिंग कर पाएंगे। UFS 3.1 स्टोरेज टाइप आपको इसमें मिल जाता है और LPDDR4X रैम टाइप आपको इसमें मिल जाता है। बैटरी बैकअप की बात करो दोस्तों 5000mAh की बैटरी लगी हुई है, जो 45W के फास्ट चार्जर को सपोर्ट करता है। और UI की बात करो दोस्तों तो XOS पर ये काम करता है, बेस्ड ऑन Android 13। कैमरा क्वालिटी की बात करो दोस्तों 108MP का प्राइमरी कैमरा है, 2MP का डेप्थ कैमरा है और 2MP का माइक्रो कैमरा है और 32MP का फ्रंट कैमरा है। तो कैमरे क्वालिटी में कहूंगा ठीक ठाक कैमरा ये है, ज्यादा आप इससे एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि ये परफॉर्मेंस वाला गेम है भाई, मतलब गेमिंग के लिए बनाया गया है, तो आप कैमरे से ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत ही करना। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करो दोस्तों तो बैक कैमरे से आप 4K+60fps में वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे और फ्रंट में 2K+30fps के साथ वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। कनेक्टिविटी की बात करो दोस्तों तो 14 5G बैंड को सपोर्ट करता है, मतलब ऑलराउंड इंडिया में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। वाईफाई 6, ब्लूटूथ 5.3, डुअल 4G वोल्ट और NFC का भी सपोर्ट आपको इसमें मिल जाता है। बाकी दोस्तों इस वीडियो में जितने भी फोन आपको सजेस्ट किए आप इनमें से किसी भी फोन को बाय कर सकते हैं।